बस बहुत हुआ, उसका और इंतजार नहीं कर सकती। झूठा, मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सांगयान की तरह है, झूठा कहीं का। सांगजी, उठो, क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? इतनी देर से कोई नहीं आता। तो फिर मुझे कब आना चाहिए था? मेरी क्लास 4:20 पर खत्म हो चुकी और अब काफी लेट हो चुका है। मुझे नहीं पता था, तो मुझे माफ कर दो और तुम्हारी जगह मैं तुम्हारी टीचर से डांट खा लूंगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। क्या वो आज भी आएगा? हेलो जी आकसू, क्या तुम जाग रही हो? अगर तुम ज्यादा लेट आए तो तुम्हें कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली कभी भी। क्या तुम मैं यहाँ काफी समय से हूँ, तुम्हारे लिए दूध लेने गया था। लापरवाह कहीं की। और एक बात कहूँ, अगर मुझे पूरी जिंदगी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। चलो जाओ और जाकर उस कैफे में अपना होमवर्क पूरा करो। चलो। ये लो कंपोजिशन के लिए तुम्हारी नोटबुक, लिखना शुरू करो। मुझे नहीं लगता इसने ये पढ़ा होगा। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? ठीक है, तो मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या मिलेगा? आप ये रेड बीन बन ट्राई कर सकते हैं। जरूर, मुझे एक बॉटल देना, वो हनी वाटर। हनी वाटर? पक्का तुम नहीं खाओगी? आपको कुछ और चाहिए सर? आप ये ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इनमें से एक दे दीजिए। ओके, कितना हुआ? सर ये QR कोड स्कैन करिए। बाद में टीचर तुमसे मेरी शिकायत करेंगे, तुम्हें बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। मैं इन सब में काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ। देखो, बाद में तुम और कुछ मत कहना, अगर हम पकड़े गए तो समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे तो सुन के ही डर लग रहा है। बहादुर बनो। यही है वो जगह? सब ठीक होगा, मैं कर सकता हूँ। सर, ये देखिए। मेरा भाई आ गया है। हेलो सर। हेलो, मैं हूँ सांगजी का भाई सांगयान। तो तुम सांगजी के भाई हो? जी सर, ये मेरा भाई है, देखिए ना कितना सुंदर दिखता है। ऐसा क्यों है कि आज सांगजी का भाई आया है? मेरे पेरेंट्स को आज कुछ काम। दरअसल हमारे पेरेंट्स को
कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ा मटेरियल सप्लायर से मीटिंग के लिए, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हाल ही में हम देख रहे हैं कि सांगजी घर जाने के बाद अपने होमवर्क के लिए ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, इसीलिए मैं और जानने के लिए आया हूँ कि इसकी सिचुएशन यहाँ पे कैसी है, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है समझ गया, आइए बैठते हैं। वैसे सर आपका नाम क्या है? मेरा घर का नाम चैन है। सांगजी की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, वो हमेशा क्लास में टॉप करती है। ये देखिए उसकी फाउंडेशन, वो भी बहुत अच्छी है। हालांकि अभी उसे पढ़ाई के प्रति सही एटीट्यूड रखना चाहिए, उसे इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसकी मैथ्स भी अच्छी है, लेकिन उसे कई जगहों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें से क्या प्रॉब्लम है? जुड़ी हुई है, अगर ये चैप्टर वो ध्यान से नहीं पढ़ेगी। तुम्हारे टीचर की स्पीच बहुत अच्छी है, वो अपनी बोरिंग सी स्पीच कभी चेंज नहीं करता। पढ़ाई की क्वालिटी और उसकी मानसिकता उनका बहुत अच्छी है। करने का तरीका तो देखो, तुम्हारा भाई उन्हें खुश करने की कोशिश कर। और पढ़ाई में हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा, जिससे कि वो दोनों चीजों को सही से समझ सके। सांगयान तुम बैठते क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आता हूँ। नहीं सर, मैं खुद से ले लूंगा। थैंक यू सर। हाँ सांगयान, बात दरअसल ये है, मैं तुम्हें स्कूल आने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, उल्टा हम आपको परेशान कर रहे हैं। हालांकि सांगजी ने मुझे परेशान कर रखा है, जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूँ वो ड्राइंग कर रही होती है। मैंने उसे बुलाया सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और मुझे ध्यान से सुने, और आखिर में वो खड़ी हुई और मुझसे ही पूछ रही है कि मैं कहाँ था, क्या ये सही था, और उसका बिहेवियर दूसरों के लिए बुरा एग्जाम्पल बनेगा। क्या कह रहे हैं आप, ऐसा उसने सच में किया? सांग जी इधर आओ। तुम अपने टीचर से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो, यह गलत है, तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए अभी के लिए बात खत्म कीजिए, पिछली बार मैंने आपके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया था सांग जी की परेशानी की वजह से। हाँ। क्या तुम्हारी वो मॉम थी या डैड थे जो यहाँ पर आए थे? शायद वो तुम्हारी माँ थी। हाँ, सही कहा ना? शायद माँ थी। मैंने आपकी माँ का बहुत सारा समय खराब किया था। हाँ, आखिर में हुआ क्या, समय बर्बाद हुआ? हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। सांगयान जब तुम घर वापस जाओगे तो अपनी माँ को जरूर बताना, यहाँ पर जो भी बातचीत हुई है सब बताना, उसे बिना कुछ भी छुपाए, और अपने डैड को भी बताना, और अपने डैड को बताना ताकि वो भी सांग जी को कुछ समझाए। बिल्कुल। हाँ सांग जी बहुत होशियार है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सर ऐसी भी क्या खास बात है इसमें, ये सिर्फ अपनी क्लास में टॉप आती है क्योंकि आप इसे अच्छा पढ़ाते हैं, और ये बात हम सब जानते हैं, आप एक बेमिसाल टीचर है मिस्टर चैन। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, प्लीज सांगजी को समझाइए और उसके साथ सब्र से काम लें, अगर जरूरत पड़े तो आप इसे पनिश कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ सख्ती से पेश आएंगे तो हम बेफिक्र रहेंगे। ये बहुत होशियार है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छी पढ़ाई करती रही मुझे यकीन है कि फ्यूचर में उसे सीधे हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। सांगजी का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि आप उसे पढ़ा रहे हैं मिस्टर चैन। जरूर, हमारी आज की ये मीटिंग बहुत अच्छी रही है। हाँ अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ। अब चलो मिस्टर चैन से माफी मांगो। ठीक है, गुड बाय सर। मैंने कहा माफी मांगो। माफ कर दीजिए। इसे अच्छे से करो और जब काम पूरा हो जाए तो तुम ये केक खा सकती हो। होमवर्क पे ध्यान दो। तुम पहले दूध क्यों नहीं पी लेती, जब ठंडा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या हुआ? तो
तुम तो इसे ऐसे छुपा रही हो जैसे मैं इसे लेके भाग जाऊंगा। जी, क्या तुम मेरे उस मजाक की वजह से मुझ पर अभी तक गुस्सा हो? तुम्हें कुछ नहीं कहना? मुझे होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क करो। जियाक्सु, क्या तुम नानबू से हो? नहीं तो, मैं इहे से हूँ। इहे? तो क्या तुम यही लौटोगे गर्मियों की छुट्टियों में? नहीं तो। क्यों नहीं? तुम्हें इसकी इतनी टेंशन क्यों है? वो दरअसल अपना होमवर्क करो। मैं अंदर जा रही हूँ। अच्छा रुको, ये क्या है? मैंने छुपकर तुम्हारा एसे पढ़ा था, तो मैंने एक नया लिखा है कंपनसेशन के तौर पर। तुम छुपकर मेरे एसे पढ़ रहे थे है ना? मैंने तो वो बस ऐसे ही लिखा था। जब मैंने ये देखा, मैंने अपने कदमों को रोक लिया। मेरा मूड मौसम जितना ही खराब था। जब मैंने उस पपी के चेहरे को देखा, मुझे और परेशानी हो गई। उससे बात किए बिना नहीं रहा गया मुझसे। जब मैंने उसे देखा, उसने मुझे मेरे भाई की याद दिला दी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता था, मेरे भाई की तरह, मानो उन दोनों को एक ही सांचे में ढाला गया हो। देखकर लगता था जैसे वो मेरे भाई का बेटा है। अरे सो जाओ यार। तो मैं चलता हूँ। क्या वो कल रात? मेरे भाई को हॉस्टल शिफ्टिंग में मदद करते हुए। ए सांजी, ये क्या है? कुछ नहीं है। क्या ये लव लेटर है? दिखा ना। नहीं, कल का होमवर्क है। होमवर्क? सच में होमवर्क है? हे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सांजी। बस फुजेंगशु, बहुत हो गया। क्या इत्तेफाक है? कैसा इत्तेफाक फुजेंगशु? तुम हर दिन एक सही तो डांस करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे स्कूल में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। हाय। अरे सांजी, तुम्हें मेरा डांस अच्छा नहीं लगा क्या? तू अरे मैंने कहा था ना, 1 2 3 4 2 2 3 4 ये रिदम थी। 1 2 3 4 2 2 3 4 अरे सुनो, मैंने सुना है कि अगले हफ्ते एक बहुत ही खास दिन है। जानना चाहोगी कौन सा खास दिन? मैं नहीं आ सकती। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। सांगजी, अगर तुम नहीं आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है।
मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ ना सांसी को पार्टी में लाने के लिए। सच में? ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कर दूंगी। तब तब तक तुम भी साथ आना और तुम्हारा जो मन करे वो ऑर्डर कर लेना। तुम्हें पता है आज सुबह कौन सा पीरियड है? ये देखो मेरी नोटबुक। सांग तुम जानती हो अभी भी फुजेंगशु? अरे मुझे लगा तुम्हें दूध से एलर्जी है, फिर तुम क्यों पी रही हो? मैंने कब कहा मैं इसे पीऊंगी? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। चलो अपने लेसन शुरू करो, खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। सभी लोग बुक का 17 नंबर पेज देखो। मेरे भाई को हॉस्टल शिफ्टिंग में हेल्प करना। आज मैंने अपने भाई को हॉस्टल शिफ्टिंग में मदद की। मेरे भाई के पास बहुत सारी चीजें हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आता क्यों उसके जैसे लड़के के पास इतनी सारी बेकार चीजें हैं। ... शुक्र है मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। ये वाकई बचकाना है, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो। किस्मत से इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने भाई के रूममेट से मिली, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। हालांकि जैसे ही हम मिले उसने मुझे चोर समझा। मैं समझ गई थी कि उस वक्त वो सिर्फ मजाक कर रहा था। चोर पकड़ा गया। क्योंकि जब उसने पहली बार मेरी मदद की तो मैं समझ गई ये दूसरी बार भी मेरी मदद जरूर करेगा। मैं इस बारे में उससे कोई शिकायत नहीं रखूंगी। वो मुझसे बड़ा है, इस बात से मैं और नहीं चिढ़ूंगी। मैं अब भी ऐसा करूंगी। और उसने जो गुड़िया लोमड़ी दी है वो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। चाहे जो भी हो, मैं अभी भी उसके जैसा ही भाई चाहूंगी, हमेशा। जहां तक मेरे भाई की बात है, वो जहां चाहे जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मेरे भाई को अपने साथ ले जा सकते हो। PS, उसने मुझे बताया कि वो बहुत खुश है मुझसे दोबारा मिलने के लिए। Thank you.
जी जी लो अंगूर खा लो। तुम क्या कर रही हो? ड्राइंग? ये तुम दूध नहीं पी सकती। मैं उसे पी नहीं रही हूँ। तो फिर लिया क्यों है वो? मैं इसे, मुझे ये बॉटल अच्छी लगी इसलिए मैं इसे ड्रॉ करना चाहती हूँ। फिर भी तुम ये दूध नहीं रख सकती। अच्छा, मैं ये दूध फेंक देती हूँ, मैं इसे नहीं पीऊंगी। अरे तुम यहाँ पर हो? अरे आप वापस आ गए? वो देखो उसके पास एक दूध की बोतल है, मुझे नहीं पता कहाँ से मिली उसे। जी जी इस वीकेंड तुम्हारे डैड और मैं एक दोस्त के घर जा रहे हैं, उसकी शादी में तुम आओगी? नहीं। फिर मैं यान को बोलता हूँ तुम्हारे साथ रहने के। नहीं, मुझे यान के साथ नहीं रहना। मुझे यान के साथ नहीं रहना। मुझे टेंशन होती है जब तुम घर पर अकेली रहती हो। बस नहीं रहना मुझे। जी कौन सी बात है जो मैं तुम्हें कहता हूँ? अपनी माँ की बात सुनो, उसे परेशान मत करो। मैं बात करता हूँ तुम्हारे भाई से, तुम चिंता मत करो। मैं उसे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करने दूंगा, नहीं तो मैं उसकी सारी पॉकेट मनी काट दूंगा। वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। मैं उससे बात करूंगी। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग बहुत हुई, डिनर के लिए नीचे आ जाओ। ओए छोटी डैन, दरवाजा तो बंद कर देती। छोटी डैन, मॉम ने कहा है लंच के लिए बाहर जाना है। छोटी डैन, ओए, अरे कहाँ हो? मेरे रूम में तो नहीं है। ओए छोटी डैन, छोटी डैन, तो कहाँ चली गई है ये? तू यहाँ क्या कर रही है और जवाब क्यों नहीं दे रही मेरा? ओ तुम, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? इधर ला। वापस दो। पहले ये बता हॉटपॉट चलेगी या नहीं? मुझे नहीं जाना। क्या खाना है फिर? गेस करो। अबे जाना, जब मैं तेरी एज का था ना तो अपना और तेरा खाना खुद बनाता था, जब मॉम और डैड घर पर नहीं होते थे, समझी? वो बात एकदम अलग थी। अलग कैसे थी? क्योंकि तुम्हारा उस समय एक भाई नहीं था, लेकिन मेरे पास है। फिर ठीक है, इसे इधर दो। हेलो, तू हॉस्टल में नहीं है क्या? चल ठीक है, मैं तुझे पिक कर लूंगा। बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। चलो बाय। यान, हाँ? तुम किसके साथ खाना खाने जाओगे? तुझे क्या मतलब, तेरे तो नखरे ही नहीं खत्म होते, अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा। चल बाय। हेलो मॉम। चालाकी मत दिखा। हेलो डैड। आई बड़ी। ठीक है, मेरी गलती थी। ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले ही हार मान लेती, इतने नखरे क्यों दिखाए तूने? आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा तुझे, समझी? चल उठ। मैं सामान पैक करने जा रही हूँ। सिर्फ दो मिनट। तीन मिनट। अच्छा ठीक है, आधा घंटा जाओ। मेरा फोन उठा लेना वहां से, वो मेरे किले के अंदर है। हाई स्कूल में आके भी बच्चों वाले खेल खेल रही है। जरा देखूं मैं भी।
और आज इतनी शांत क्यों बैठी हुई है तू? वैसे मुझे देखकर खुशी तो हो रही होगी ना? मुझे तो हो रही है। अरे बकवास बंद कर, ये बता खाएंगे कहाँ हम? हम मॉल नहीं जा रहे क्या हॉटपॉट खाने? वो महंगा है तो मुझे ट्रीट नहीं दोगे क्या? तुम्हें लगता है मैं इतना कंजूस हूँ? अबे कंजूसों का मामा है तू। अबे मुंह बंद करना अपना। मतलब वो जिस रूममेट की बात कर रहा था वो ज्ञान भी है। ओए जवान, जवान जाक्षु, चलना। अरे जल्दी चल भाई, ट्रीट दे रहा है। तुमने 10 मिनट बोला था ना? ट्रैफिक था भाई। तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख लग रही है। अरे अब तो आ गए ना, चल। तू सोया नहीं है क्या कल से? ये तो मेरी गोद में लेट गया। टाइम से सोया कर भाई, पैसों के चक्कर में नींद क्यों खराब करता है? स्पीड बढ़ाओ यार, मैं भूख से मर रहा हूँ। वो कितनी मेहनत करता है और मैं उसे परेशान करती रहती हूँ। तुमने कभी वेट लॉस किया है? नहीं, आज तक तो नहीं किया। भाई मैंने अपना वेट लॉस किया है। मेरे कार में बैठने के बाद तुमने मुझे हाय क्यों नहीं कहा? हेलो जियाक्सु। तुमने कुछ कहा? बस हेलो। ओ क्या कहा? हेलो हैंडसम। कैसे हो हैंडसम? क्या मैं नहीं हूँ? अच्छा मुझे देखने के बाद तुम ब्लश क्यों कर रही थी? पता नहीं क्या हो गया इसको, जब देखो शर्माती रहती है। ये हमेशा से ऐसी ही है। अरे तुझे याद है पिछले फिजिकल एग्जाम में जब मैं 1000 मीटर दौड़ा तब मेरी सांसें फूल चुकी थी भाई, और तब ये इंसान मेरे पास आया और उसने कहा तुम मुझे देखकर शर्माती क्यों हो भाई, मुझे कसम से इससे प्यार हो गया था। अरे वो तो जानवरों से भी ऐसी बातें करता है, तेरी तो बात ही छोड़ो फिर। अरे इसे इग्नोर करो, ये अच्छा लड़का नहीं है। हाँ सही कहा इसने, ये अच्छा लड़का नहीं है। तुम सब इतने गलत क्यों सोचते हो? अरे नहीं नहीं भाई, हमने कुछ भी गलत नहीं सोचा। मुझे भी लगता है वो अच्छा इंसान नहीं है। तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? सुना, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। चलो भाई ने एक्सेप्ट तो किया। हाँ हाँ, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है। दिल चुराने वाले अच्छे नहीं होते। चलो तुम लोग उतर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। चूहे कूद रहे पेट में। क्या मैं कार में कुछ देर के लिए रुक सकती हूँ? क्यों रुकना है? बस कुछ देर तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। अरे यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। चालान तुम भरोगी क्या? नहीं मैं क्या चल रहा है? इसे लेके जाओ यार। तुम आ रही हो? जल्दी जाओ यार, मुझे गाड़ी पार्क करने जाना है। तुम सच में बहुत बुरे हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? थोड़ी सी, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? कैनफी, रिजर्वेशन का टाइम हो गया है, तुम चलो। ठीक है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैं साथ चलता हूँ। अच्छा तो तुम्हारे पास कोई टिश्यू है? कोई बात नहीं, तुम मेरा वेट करो, मैं खरीद कर लाता हूँ। चलो जाओ।
क्या उसने ये देखा होगा? अबे साले तू ये सब क्यों ऑर्डर कर रहा है? क्योंकि मुझे ये पसंद है। वो लोग खाएंगे नहीं इसे। अरे सब खाएंगे यार, चिंता मत कर। हेलो, हमने ऑर्डर कर दिया तो अभी तक आया क्यों नहीं? वो तेरी बहन, क्या हुआ उसे? तेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या करें? अबे तू मुझसे क्या पूछ रहा है? भाई मेरे एक हेल्प करना, मेरी जगह तू ले आना उसे। क्या प्लीज? मैं ले आऊं? अबे वो तेरी बहन है या मेरी? अरे यार मैं उसका भाई हूँ, कितना ऑकवर्ड लगेगा, समझा करना। ठीक है बहुत हुआ, मैं सुपरमार्केट में हूँ और तू जल्दी आ। चल ठीक है, लेकिन तू मेरे साथ रही हो। अरे ये देखना। नहीं 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 ये। स्मॉल साइज, इसका इस्तेमाल करने पर ऐसा लगता है कि सब्जी खरीद रहा है क्या? अरे एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सही लग रहा है। हाँ ये 42 है, साइज में दोनों अलग अलग है क्या? अरे मुझे क्या पता, क्या 42-35 से लंबा होता है? हाँ ले ले यार, आराम से चल 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 चल। अबे रुक। क्या हुआ? एक काम कर, एक स्कर्ट ले ले। स्कर्ट खराब हो गई क्या? हाँ तो ये वाली ले लेते। अबे रुक, उसने काले रंग की स्कर्ट पहनी हुई है। ये ठीक रहेगी। ठीक है, वैसे भी दोनों सेम ही लगती हैं। ये कितना शर्मिंदगी भरा है, उसने देख लिया। हेलो, क्या आप सांगजी हैं? हाँ मैं हूँ। बाहर किसी ने मुझसे तुम्हें ये देने के लिए कहा है। थैंक यू। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें लड़कियों के साथ होती रहती हैं। चेंज कर लो। थैंक यू सो मच। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? क्या हो गया? मैं शर्मिंदा हूं। इसमें शर्म की क्या बात है? ये फिर भी शर्मनाक है। चल आजा, चल आजा, खाना खाएंगे, आजा चल। अरे बच्ची नहीं है तू, चल। हाँ संज्ञान, इस तरफ। अरे तुम इतनी लेट क्यों आए? कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अरे एक लॉ मशीन से खेलने लगी थी, आई नहीं रही थी। तुम्हें प्राइज नहीं मिला क्या? नहीं मिला, इसलिए रो रही थी। अरे इसमें रोने की क्या बात, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खाना खत्म करने के बाद मैं वहां से तुम्हें गुड़िया लाकर दूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा छोड़ो, जब मैं खेल के दिखाऊंगा ना तब पता चलेगा। मैं कुछ और डिशेज ऑर्डर करूंगा। अरे जी तुम्हारा जो मन करे वो ऑर्डर करो, आज मेरी तरफ से ट्रीट। थैंक यू। वेलकम। वैसे अक्सर तुम क्या खाते हो यहाँ पर, अच्छा क्या मिलता है? अरे ये मंगाओ, श्रिम्प पास्ता। हाँ भाई बहुत टेस्टी है, मैंने ऑर्डर किया था।
तुम खाओगे कुछ? अरे सिल्की चिकन देख, माँ कसम बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे हॉटपॉट के लिए सिल्की चिकन कौन खाता है? कुछ महंगा देखना। अरे तूने सुना नहीं क्या, विनर विनर चिकन डिनर। ओए, थोड़ा लिमिट का खाना देखो, मैं दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा तुम्हें। मेरे लिए यही काफी है। अगर पेट दर्द हुआ ना तो मुझे मत कहना। अबे क्या दिक्कत है तुझे, उसे जो खाना खाने दे, ट्रीट मेरी तरफ से। अबे तो चुप कर, इसे मीट से एलर्जी है। अरे फिर तो मत खाना, बीमार पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार मुझे तो। एक्सक्यूज मी, लो अब कुछ ऑर्डर करो। एक ये ले लेते हैं। ये लो एक गिलास गर्म पानी पी लो। ये लो ये लो। ड्रिंक करें क्या? मुझे ड्राइव करना है, मैं नहीं पी सकता। अरे बिना पिए हॉट पॉट का क्या ही मजा आएगा यार। अरे तो ये देखना, आइस टी और हॉट पॉट का एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अरे कुछ भी बोलता है यार। देख मैं नहीं पीऊंगा, मुझे ड्राइविंग करनी है इसलिए। अरे यार कितनी बार बोलेगा, मत पी जा। पी ले अपनी आइस टी और मजे कर। हाँ तो पीऊंगा ही। अरे जब तू हॉस्टल में नहीं था ना, तो मैंने अकेले रैंक वाला मैच खेला और मेरा टीममेट इतना बड़ा झंडू इंसान था, कसम से भाई उसके साथ खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। रुको, तुझे तेरे जैसे टीममेट मिलते हैं। चुप कर जा वरना गला घोट दूंगा। पहले मुझे खाने दो। अबे डरता नहीं हो तुझसे? मैंने भी रैंक मैच में एक कॉल का जवाब दिया था, लेकिन तूने मुझे उसके लिए डांटा था। क्योंकि हम तेरी वजह से हार गए थे। Excuse me. क्या आप मेरी मदद करेंगे? टॉयलेट में एक लड़की है, क्या आप उसे ये दे देंगे? देखिए उसे ना इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जरूर। और उस लड़की का नाम सांगजी है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हे, तू अपनी बहन के लिए यहाँ रुक, मैं कियानफी को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बकवास मत कर यार, मेरे साथ यहीं खड़ा रह, मेरी बहन तेरी बहन भी तो है। अबे पागल है क्या, अगर वो मुझे यहाँ देखेगी तो उसे काफी अजीब लगेगा जो कुछ भी हुआ उसके बाद। चल ठीक है, बेहतर होगा कि अच्छा सा बहाना सोच ले, वरना जब कियानफी उसके बारे में पूछेगा तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। एक काम करो, उसको कहना कि वो टॉयलेट के बाद क्लॉ मशीन के साथ खेलने गई है। ठीक है। ओए ओए ये तो ले जा, मेरे लिए रख ले।